नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। समस्तीपुर में भाकपा माले नेता महावीर पोद्दार ने वर्तमान मोदी सरकार के कार्य की आलोचना की है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है, देखिए। मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जिला परिषद सामाजिक न्याय के सदस्य, साथी भाकपा माले उजियारपुर अंचल कमेटी के अध्यक्ष हैं और काफी सक्रिय हैं, काफी और सामाजिक कार्य से काफी ये रुचि रखते हैं और समाज के बीच काफी लोकप्रिय हैं, श्री महावीर पोद्दार जी। आइए हम उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। सर नमस्कार। सर सबसे पहले स्वागत है आपका एचबीएन न्यूज चैनल पे। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी देश एक तरफ जहां कोरोना से पूरी तरह से परेशान है, कई का जान जा चुका है, अभी तक भी कई लाख लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और इसी बीच बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। देखिए, जो पूरे भारत देश में कोरोना महामारी फैली, इससे 70,000 से ज़्यादा लोग मौत के गाल में समा चुके हैं। अच्छा। और पिछले 5 महीनों से लगातार केंद्र और राज्य सरकार और फिर जिला प्रशासन लगातार लॉकडाउन होने के वजह से देश की जो गरीब जनता है, मजदूर वर्ग, किसान, उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। और उन परिस्थिति में विधानसभा का चुनाव होना, इससे स्पष्ट होता है कि इस विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता भाग नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता को वंचित करने का यह एक उच्च स्तरीय षड्यंत्र है और यह चुनाव टाला जाना चाहिए जब पूरा तौर पे कोरोना महामारी का प्रकोप समाप्त हो जाए, उसके बाद चुनाव होना चाहिए। अभी एक तरफ इस देश की जनता कोरोना महामारी से लड़ रही है और दूसरे तरफ उसे विधानसभा चुनाव में जाना पड़ेगा, ये उचित नहीं जान पड़ रही है। तो अभी विधानसभा चुनाव जब होगा, इसमें महागठबंधन को आपकी पार्टी जो है वो भी तो सुनने समर्थन करने के लिए जा रही है, जितने भी लेफ्ट पार्टी है सभी समर्थन करने के लिए जा रही है। देखिए, अभी बिहार और देश के सामने एक सबसे बड़ा चुनौती है कि फासीवादी और साम्राज्यवादी ताकत भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को सत्ता में जाने से रोकना वामपंथी पार्टी और भाकपा माले का परम कर्तव्य है। उस हिसाब से बिहार की राजनीति में हम महागठबंधन के साथ सीटों का एडजस्टमेंट हमारी पार्टी करने जा रही है, न कि हमारा महागठबंधन के साथ कोई गठबंधन है। और वह हम सीटों का एडजस्टमेंट इसलिए हमारी पार्टी करना चाह रही है कि धर्मनिरपेक्ष और जनवादी मतों का बिखराव रोका जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में जाने से रोका जा सकता है। अच्छा, तो अभी जो बिहार में जो चुनाव होगी उसमें कितना सीटों पे आपकी जो पार्टी चुनाव लड़ेगी? हमारी पार्टी और वामपंथी पार्टी कितना मांग का मांग है कि कम से कम 53 सीट मिलनी चाहिए और बिहार में सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी होने के नाते हमारा मांग है कि कम से कम 30 सीट भाकपा माले को मिलना चाहिए और इस पर आरजेडी अलायंस को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। अच्छा, तो अभी चुनाव करीब आ रहा है, चुनाव का कुछ दिन में घोषणा भी होने वाला है आचार संहिता का, तो जब चुनाव बिहार में लड़ा जा सकता है तो फिर ये जो कोरोना लेकर के जो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, स्कूल कॉलेज सभी बंद किए हुए, कहाँ तक उचित है? ये कोरोना में जो सामाजिक दूरी का पालन करने की बात हुई और फिर सार्वजनिक संस्थानों पर भीड़ इकट्ठा नहीं हो, इसके लिए जो प्रयास किया गया, जिसके लिए केंद्र, राज्य और फिर जिला प्रशासन ने लगातार जो लॉकडाउन लगाया है, अच्छा, उनका मकसद है कि इससे हम शिक्षण संस्थानों में जो एक बड़ा छात्रों का समूह जमा होगा और इससे कोरोना फैल सकती है, उसको रोकने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। लेकिन विगत 5 महीनों के लॉकडाउन में शिक्षा व्यवस्था पूरी तौर पर ध्वस्त हो गई। जो राज्य और केंद्र सरकार ने कहा कि हम मोबाइल के माध्यम से छात्रों को शिक्षा देंगे, मोबाइल के माध्यम से शहर में रहने वाले छात्रों को शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो मजदूर के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, गरीब किसान के बच्चे हैं,
आज वो शिक्षा से पूरी तौर पर वंचित हो चुके हैं। तो आपने कहा कि इस अभी जो देख रहे हैं अभी दिया है 100 की संख्या जो है आप एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि एक क्लास में 100 विद्यार्थी भी स्कूल जाएगी, फिर भी उस पर रोक लगाया हुआ है। अब जिला प्रशासन का कहना है कि हम सितंबर से मतलब अगले महीने से हम विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था हम सुचारू रूप से देखेंगे, देखिए आगे क्या होता है। बीच बीच में आरक्षण खत्म करने की बातें हो रही है, और जब भी आरक्षण खत्म करने की बातें हुई है तो आपकी पार्टी इसका जम के विरोध की है। देखिए आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण के हम समर्थक हैं, लेकिन आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, इस बात के को हम समर्थन करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल आज क्या है, आरक्षण मिलेगा नौकरी में, जब नौकरी ही नहीं है, पद ही नहीं है, सारे पद को सरप्लस कर दिया गया है, नए रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए जा रहे हैं, तो आरक्षण का झुंझुना लेकर के क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। और इस चीज को इस देश के नौजवानों को आज समझने की जरूरत है कि इस देश के अंदर रोजगार कैसे पैदा करेंगे, और रोजगार पैदा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की है, शिक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की है, और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। सभी चीजों का निजीकरण हो रहा है, रेलवे का निजीकरण, वही कह रहे थे कि हम को आप चौकीदार बनाइए, हम देश बिकने नहीं देंगे। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि देश को मैं बिकने नहीं दूंगा, आप मुझे चौकीदार बनाइए, प्रधानमंत्री नहीं। और जब उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री मिला तो आज लाल किला बिक चुका है। आज भारत के अंदर 50 से ज्यादा रेलवे स्टेशन बिक चुका है, दर्जनों हवाई अड्डे बिक चुके हैं। BSNL जो सरकारी मोबाइल कंपनी थी वो BSNL बिक चुका है। और आरोप क्या लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि रेलवे घाटा में चल रहा है। जब रेलवे में घाटा में चल रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है, तो रेल मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जब रेल घाटा में चल रहा है तो रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, यदि रेलवे घाटा में चल रहा है तो रेलवे को ठीक निजी कंपनी खरीद क्यों रहे हैं, जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो रेलवे को खरीद क्यों रहे हैं, जब वो घाटे में चला है तो क्यों खरीद रहे हैं, ये गंभीर सवाल है। तो सबसे पहले एक साजिश है कि जिस चीज को हमें बेचना है उसके बारे उसको बदनाम कर दो। आज एक मेंटिलिटी बना दी गई है कि प्राथमिक विद्यालय में मास्टर पढ़ाता नहीं है, तो आम जनता में मास्टर के प्रति घृणा पनप जाती है, और जब मास्टर के प्रति घृणा पनप जाती है तो वही लोग फिर प्राइवेट कोचिंग के तरफ बढ़ते हैं। अगर मास्टर नहीं पढ़ाता है तो उस विद्यालय को व्यवस्थित और उच्च कोटि का बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और आरोप लगा रही है मास्टर पर, ये गलत है। और इस चीज को इस देश के नौजवानों और देश के मेहनत कश आवाम को समझने की जरूरत। तो अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में अब चुनाव होने वाला है, और देखा गया कि जब जब कोई चुनाव होता है तो कोई ना कोई मुद्दा आ ही जाता है। तो अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है, और इस वक्त देश में एक मुद्दा चल रहा है, उसको लेकर बिहार में भी मुद्दा चल रहा है, एक हीरोइन है, अभिनेत्री है, कंगना रनौत, उसको लेकर के पूरी तरह से देश अस्त व्यस्त है। बीजेपी, आप चले जाइए महाराष्ट्र में तो बीजेपी और शिवसेना एकदम आमने सामने है, और वहाँ के जो महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, वो बिहार के चुनाव प्रभारी बन जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। देखिए कंगना रनौत एक बॉलीवुड की फिल्मी हीरोइन है, एक कैपिटलिस्ट है, उसके साथ जो भी हुआ नाजायज हुआ, लेकिन उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक लड़की के साथ बीजेपी का विधायक रेप करता है, और वो लड़की चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि हमें सुरक्षा दिया जाए, नहीं तो हम पे हमारे जान पे खतरा है, हमारे परिवार पर खतरा है, और उसके परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी जाती है, उसको Y+ की सुरक्षा नहीं दी जाती है। और
इनको सुरक्षा दिया जा रहा है। तो क्या है, यही है पूंजीवादी व्यवस्था। और इस पूंजीवादी व्यवस्था में आप उस चैनलों, जो विभिन्न चैनल हैं इस देश के अंदर, नेशनल चैनल, आज उसको खरीद चुके हैं मोदी जी, और मोदी जी जो कहेंगे वही चैनल में प्रसारित होगा, वो जो नहीं कहेंगे वो प्रसारित नहीं होगा। जिनको चाहेंगे वो राष्ट्रीय मुद्दा बना दें, जिनको चाहें वो आज गताल खाते में फेंक दें। आज आप देख लीजिए, फरवरी में दिल्ली में दंगा हुआ एनआरसी एनपीआर के खिलाफ, और पूरक चार्जशीट दायर किया जाता है किन पे, माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता जोगेंद्र यादव है, एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविटीज है, उन पर आज का दंगा का आरोप लगाया जाता है। एक अर्थशास्त्री है जयती घोष, उन पे दंगा भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है। कहने का मतलब है कि आज इस देश के अंदर डेमोक्रेसी खत्म है, और डेमोक्रेसी खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मतलब जो सरकार का विरोध करेगा उस पे मुकदमा दर्ज कर दो, उसको जेल के अंदर डाल दो। ये आज साजिश है, और ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जब हिटलर जर्मनी का वाइस 6 महीने के अंदर 3 चीज खत्म कर दिया, उच्च शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दिया, डेमोक्रेसी खत्म कर दिया, और अर्थव्यवस्था चौपट कर दिया जर्मनी के अंदर, और वही रास्ते पर मोदी जी भारत को ले जा रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था चौपट, भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था चौपट, और भारत के अंदर डेमोक्रेसी को कमजोर किया जा रहा है। और ये एक उच्च स्तरीय साजिश है कि हम फांसीवाद के रास्ते पर हिंदुस्तान को हम कैसे ले जाएं। तो अब चुनाव आ गया है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप बिहारवासियों को? मैं संदेश देना चाहता हूँ बिहार के मेहनत का सावाम किसान मजदूरों को, कि बिहार को बचाने के लिए, चूँकि बिहार से जब रोशनी दिया जाता है तो पूरे देश में वो रोशनी फैलता है, बिहार में तमाम हम मतदाताओं से कहना चाहते हैं कि आज वामपंथी धर्मनिरपेक्ष जनवादी ताकत के पक्ष में आप मतदान करिए, और भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को हर सूरत पे सत्ता में जाने से रोकिए, और यही आपके लिए आज का सबसे बड़ा देशभक्त होने का एक बड़ा प्रमाण मिलेगा। बिहार बचेगा, बिहार के लोग बचेंगे, बिहार बचेगा देश बचेगा, और बिहार के मेहनतकश जनता का हक अधिकार बचेगा, सुरक्षित रहेगा। यही मैं संदेश देना चाहता हूं इस बिहार विधानसभा चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत तो आपने देखा, ये महावीर पोद्दार जी हैं, और जो भाकपा माले के एक वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तो इन्होंने जो वर्तमान सरकार है उन पर इन्होंने जम के निशाना साधा है, तमाम सवालों पर, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, या निजीकरण हो, तो ये तमाम जो भी सरकार की योजनाएं थी उन पर इन्होंने जम के निशाना साधा है। अब देखिए, अब विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब आ चुका है, और अब देखना होगा कि अब विधानसभा चुनाव जब समाप्त होगी तो फिर किसकी सरकार बनती है बिहार में। कैमरामैन जितेंद्र के साथ में मुकेश कुमार, SBN न्यूज़, समस्तीपुर।